हेलो ब्रेवन, आज हम करने वाले दो अलग अलग बाइक के बारे में जो कि एक ही सेगमेंट में लॉन्च हुई थी, क्रूजर कैटेगरी बाइक में। दोनों ही बाइकें क्रूजर कैटेगरी बाइक में आती है, दोनों ही अलग अलग कंपनी से आती है, एक टीवीएस की तरफ से और एक रॉयल एनफील्ड की तरफ से आती है। हम बात करें रॉयल एनफील्ड की तरफ से वाली 100/350 बाइक एंड टीवीएस की तरफ से वाली टीवीएस रॉयल बाइक के बारे में। आज की वीडियो में हम दोनों बाइकों में कंपेयर करने वाले हैं कौन सी बाइक बेस्ट है। दोनों ही बाइक टूरिंग कैटेगरी बाइक है, दोनों ही टूरिंग सेगमेंट में जानी जाती है। यदि आप सोच रहे हैं टूरिंग कैटेगरी बाइक लेने का, क्रूजर कैटेगरी बाइक लेने का, तो ये वीडियो आपके लिए। हम दोनों ही बाइकों में कंपेयर कर देखने वाले हैं कौन सी बाइक बेस्ट है। तो चलिए फिर बात करते हैं दोनों बाइकों के बारे में और जानते हैं दोनों बाइकों में से कौन सी बेस्ट है, कौन सी आपको लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, दिस इज वीडियो मोटो ब्लॉग। वीडियो मोटो ब्लॉग का स्वागत है। सबसे पहले हम रॉयल एनफील्ड 100/350 बाइक की बात करेंगे। ये बाइक रॉयल एनफील्ड की नई बाइक है और टूरिंग कैटेगरी के सेगमेंट में आती है। बाइक एक नई बाइक है, ये रॉयल एनफील्ड की सबसे लोएस्ट बाइक भी बोल सकते इसको, हालांकि नई बाइक है। बाइक थोड़ी ऊंची नहीं है, क्लासिक 350 से ऊंची नहीं है, पर ये काफ़ी सेगमेंट अच्छी है। बाइक ज़्यादा ऊंची नहीं लगती, शॉर्ट बाइक लगती है, पर उतनी भी छोटी नहीं है। 350 cc इंजन दिया, इसमें मिलता है हेलोजन मॉडल जो कि क्रूजर कैटेगरी गोल्ड सी लाइट दी है, इस पर इंडिकेटर भी हेलोजन दिया। इस पर इसके ब्रेकिंग की बात करते तो उसमें सिंगल सिलेंडर दिया गया, फ्रंट और रियर में डिस्क दिया गया। फ्रंट में 300 mm का, रियर में 153 mm का डिस्क दिया गया। टायर की बात करते 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है फ्रंट और रियर में। एंड इंजन की बात करते तो इस पर दिया गया 349.34 cc इंजन जो कि प्रोड्यूस करती है मैक्सिमम पावर 20.2 bhp पावर 6100 rpm पर एंड मैक्सिमम टॉर्क करती है 27 Nm का 4000 rpm पर 36 km पर एलटी की माइलेज दे देगी बाइक। इसकी राइडिंग रेंज जो है 455 km। टॉप स्पीड की बात करें तो 114 km पर आवर की टॉप स्पीड देखने को भी मिल जाती है। 5 speed की बॉक्स होती है एंड इसकी फील्डिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो 13 lb फील्डिंग कैपेसिटी मिल जाती है देखने को हमें। काफ़ी अच्छी बाइक है, टूरिंग कैटेगरी के लिए काफ़ी अच्छी बाइक है। स्टाइलिश लुक है, काफ़ी स्टाइलिश दिखती है बाइक, लुक्स में काफ़ी जबरदस्त बाइक है। इसकी अगर प्राइस करते तो 1,61,000 प्राइस इसकी। दूसरे में बात करें टीवीएस रॉयल बाइक के बारे में। ये बाइक टीवीएस की नई बाइक है, पहली क्रूजर बाइक बोल सकते हैं इसको। इससे पहले टीवीएस की तरफ से कोई क्रूजर बाइक नहीं आती थी इस सेगमेंट में, ये पहली क्रूजर कैटेगरी की बाइक बोल सकते हैं। इस बाइक के लुक्स की बात करते तो एक क्रूजर कैटेगरी वाली बाइक लगती है हमें देखने को। क्रूजर वाली गोल्ड सी हेडलाइट दी गई, गोल्डन कलर सस्पेंशन दिए गए, हालांकि डिफरेंट कलर मिलते हैं इस पर। फ्रंट रियर में डिस्प्ले मिलता है हमें, सीट का कंफर्ट मिलती है हमें। टैंक जी बड़ी सी फुल्डिंग कैपेसिटी दी गई इस पर, गोल्ड सी मीटर दी गई इस पर, एनलॉक प्लस डिजिटल मीटर दिया गया इस पर। इसके सस्पेंशन की बात करते तो अपसाइड डाउन फ्रॉक सस्पेंशन दिया है इस पर। इसके ब्रेकिंग की बात करो, इसमें भी सिंगल सिलेंडर देखने को मिलता है। फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक दिया गया, फ्रंट 300 mm का, रियर में 240 mm का डिस्क ब्रेक दिया इस पर। इसकी टायर की बात करो 17 inch का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है हमें। इसके इंजन की बात करो, इसमें मिलता है 225.9 cc इंजन जो कि प्रोड्यूस करती है मैक्सिमम पावर 20.1 bhp पावर 7750 rpm पर एंड मैक्सिमम टॉर्क करती है 19.93 Nm का। माइलेज की बात करो 40 km पर लीटर की माइलेज दे देगी ये। इसे टायरिंग रेंज 560 km की, टॉप स्पीड की बात करो तो 120 km पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिलती है। 5 speed की बॉक्स आती है। इसकी फील्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो 14 L फील्डिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है हमें। इसका लुक्स भी काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी क्रूजर कैटेगरी वाली बाइक लगती है। सीट का कंफर्ट दी है इस पर, लुक्स काफ़ी हैवी लगती है दिखने में हमें। इसके प्राइस की बात करते 1,61,000 प्राइस इसका। बस आज के लिए तो ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो कर ही दो यार। धन्यवाद।